आचार्य बाल कृष्ण की बड़ी मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का मिला आदेश। पतंजलि में हुई एक गलती से अदालत जा पहुंचा मामला। क्या पतंजलि इस्तेमाल करने वालों को होना होगा सावधान। बीते कुछ सालों में आयुर्वेदिक सामानों के खरीद बेच में पतंजलि काफी अच्छा और भरोसेमंद नाम बन गया है। पतंजलि का इस्तेमाल देश के बाहर विदेशों में भी होता है और देश में इसके खरीदार बड़ी संख्या में है। लेकिन हाल ही में एक मामले के कारण आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नोटिस भेजा गया, जिसके बाद रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने का आदेश मिला। दरअसल रामदेव को ये नोटिस जारी किया गया है पतंजलि आयुर्वेद के लिए भ्रामक विज्ञापन चलाने के मामले में। कोर्ट ने रामदेव से पूछा कि आखिर उनके खिलाफ ये अवमानना की कार्रवाई अब तक शुरू क्यों नहीं कराई गई? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन के मामले में पतंजलि आयुर्वेद को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया था और पतंजलि आयुर्वेद के अलावा आचार्य बालकृष्ण को भी दिया गया था। इसमें 3 सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फटकार लगाई है। दरअसल हुआ यूं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों को भ्रामक बताते हुए याचिका दायर की है और आरोप लगाया कि पतंजलि ने COVID-19 वैक्सीनेशन को लेकर एक कैंपेन चलाया था। इस पर अदालत से चेतावनी दी गई थी कि पतंजलि आयुर्वेद की ओर से झूठ भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद होने चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दावे याचिका में कहा गया कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से एलोपैथी दवाइयों की उपेक्षा हो रही है। IMA ये भी कह रहा है कि पतंजलि के दवाओं की पुष्टि नहीं हुई है और ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जैसे कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारिक से कोरोना का इलाज कर सकते हैं। इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने भी फटकार लगाई थी और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगा दिया था। अब उन लोगों को ये जवाब दे देते हैं जो लोग ये सोच रहे होंगे कि पतंजलि इस्तेमाल करने से शायद उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो आपको बता दें कि ये केवल बिजनेस और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच की बात है, ये उसे लेकर मामला है, ना कि किसी प्रोडक्ट में कोई कमी या खामी है जिससे कि आपको इसके नुकसान का भुगतान करना होगा। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि आपने अभी तक जवाब दाखिल क्यों नहीं किया। अब हम आपके मुवक्किल को अदालत में पेश होने के लिए कहेंगे, हम रामदेव को भी पक्षकार बनाएंगे। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों को अब अदालत में पेश होना होगा। कोर्ट ने आगे कहा, इस मामले की सुनवाई टालने नहीं जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल साफ है। साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भी फटकार लगाते हुए कहा कि एक दिन पहले क्यों जवाब दाखिल किया। इस पर केंद्र ने अदालत को बताया कि उन्हें समुचित जवाब देने के लिए और समय चाहिए था।